जय श्री राधे। मैं आचार्य वेंकटेश आप सबका स्वागत करता हूं। इस बार का चंद्र ग्रहण साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जो 28-29 अक्टूबर 2023 शरद पूर्णिमा की रात्रि में भारत में दिखाई देगा। सौर मंडल में घटने वाली घटनाएं भले ही खगोलीय हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके लाभ और हानि के दूरगामी परिणाम होते हैं। चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा यह चंद्र ग्रहण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और पश्चिम और दक्षिण प्रशांत महासागर, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी भाग में दिखाई देगा। आइए जानते हैं भारत में चंद्र ग्रहण का समय विस्तार से और तारीख, और इसका सूतक काल कितनी बजे से लगेगा यह भी जानते हैं। भारत में दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण सूतक काल 28 अक्टूबर 2023 को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। गर्भवती माताएं भजन करें और भगवान का चिंतन करें और अपना विशेष ध्यान रखें। 29 अक्टूबर 2023 को ग्रहण स्पर्श करेगा 1:05 पर रात्रि में, और ग्रहण का मध्य भाग 1:44 AM होगा। ग्रहण का समाप्ति काल 2:24 होगा। मेष राशि वालों को विशेष अपना ध्यान रखना चाहिए ग्रहण के समय में। भारत में संपूर्ण ग्रहण काल 4 घंटे 4 मिनट का होगा। हम सबको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। 14 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आकाश में बड़ी उथल पुथल रहेगी, यह देखने को मिलेगा। उस उथल पुथल में कहीं पर भूकंप, कहीं पर महामारी, कहीं प्राकृतिक आपदा, कहीं बड़े बड़े देशों में आपस में युद्ध और भारत में राजनैतिक उथल पुथल भी नजर आएगी। चंद्र ग्रहण 4 राशि वालों के लिए विशेष शुभकारी फल देगा। यह 4 राशियां हैं मिथुन, कुंभ, वृश्चिक और कर्क राशि। मिथुन राशि वालों को चंद्र ग्रहण आर्थिक लाभ देगा। कर्क राशि वालों को चारों दिशाओं में महाराज लाभ प्रदान करेगा, और वृश्चिक राशि वालों को महाराज मनोवांछित फल प्रदान करेगा। कुंभ राशि वालों को श्री वृद्धि प्रदान करेगा यह चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करें क्या ना करें इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, अन्यथा आपको 15 दिन तक बड़ा ही दुख भोगना पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए, शमशान पर नहीं जाना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बहुत अत्यधिक होती है। पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए, जितना हो सके भगवान का स्मरण करना चाहिए। यह नियम बालक, रोगी और वृद्ध पर लागू नहीं होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। किसी प्रकार की परेशानी हो तो ये नियमों का पालन आप नहीं करने से भी पाप नहीं लगता है, लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो इन नियमों का जरूर पालन करें। शास्त्र इसका आपको आदेश करते हैं। चंद्र ग्रहण शुद्ध हो जाने के बाद शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए, पूरे घर को पवित्र करना चाहिए, धोना चाहिए, गंगा जल छिड़कना चाहिए, पूरे घर की शुद्धि करनी चाहिए। करने से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। चंद्र ग्रहण शुद्ध होने के पश्चात गरीबों को दान करना चाहिए,
पशु पक्षियों को दाना डालना चाहिए, गाय को घास डालना चाहिए, गरीबों की सेवा करनी चाहिए और जितना हो सके अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए। वहीं 30 अक्टूबर को राहु केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और शनि देव कुंभ राशि में मार्गी होंगे। जरूरतमंदों को आप वस्त्रदान भी कर सकते हैं, उसका 10 गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है। आप सभी विशेष ध्यान रखें, चंद्र ग्रहण के दौरान इन नियमों का पालन करें। आप सबका मंगल हो, यही ठाकुर जी से प्रार्थना है। जय श्री राधे।